दोस्तों आज की वीडियो में हम तारीख के साथ ऐसे राजों के बारे में जानेंगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिश सालों से की जा रही है, लेकिन ये राज आज भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। इनके जवाब न मिलने की वजह से कुछ लोग इन्हें एलियंस तो कुछ इन्हें भूतिया सरगर्मियों के साथ जोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो में हम साथ ऐसे ही अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने कई सालों से आर्कोलॉजिस्ट की नींदें हराम कर रखी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर वन, कर्स्ट बॉडी। दोस्तों इजिप्ट को दुनिया के सबसे पुरिसरार मुल्क की हैसियत हासिल है। इजिप्ट का जिक्र हो तो हमारे जहनों में सबसे पहले ममीज का ख्याल आता है जिन्हें स्पेशल कपड़े में लपेटकर स्टैचू में दफन किया जाता था। लेकिन मिस्र के इलाके अलेक्जेंड्रिया में एक ऐसा ताबूत मिला जो बाकी कॉफिन से बिल्कुल अलग था। ये जो ब्लैक कॉफिन आप देख रहे हैं इसे खुदाई के दौरान एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक ये ताबूत तकरीबन 2000 साल पुराना है। जब इस पत्थर के ताबूत को खोला गया तो सब इसे देखकर शॉक्ड हो गए। इसके अंदर लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था और इसमें तीन स्केलेटन्स मौजूद थे। एक कॉफिन में तीन लोगों को इकट्ठा दफन किया गया था। पुरिसरार बात यह है कि 2000 साल गुजरने के बावजूद ना ही ये लिक्विड ड्राई हुआ और ना ही इस कॉफिन से बाहर निकला। इसके अलावा इस कॉफिन को मिस्र से आज तक की मिलने वाली सबसे मनहूस चीजों में से एक करार दिया जाता है, क्योंकि जिन दो लोगों ने इसे जमीन के अंदर से सबसे पहले बाहर निकाला था उन दोनों की अचानक मौत हो गई थी। इसके अलावा जिन लोगों ने इसे लोड करवाने में मदद की थी वो भी बुरी तरह बीमार हो गए थे। इस ताबूत में मौजूद रेड लिक्विड अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है जिसे कोई भी साइंटिस्ट अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर टू, माया सिविलाइजेशन। माया तहजीब तारीख की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है। आज के दौर में जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी और बेशुमार नॉलेज मौजूद है फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते। लेकिन जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो आज से 4000 साल पहले इस दुनिया पर रहा करती थी। उनके पास ऐसे कैलेंडर हुआ करते थे जो आज से हजार साल बाद आने वाले सोलर इक्लिप्स तक बता सकते थे, जो हम आज इतनी तरक्की करने के बाद भी नहीं कर पाते। लोगों का कहना है कि एक वक्त में जब एलियन हमारी जमीन पर आए थे तब उन्होंने ये तकनीक माया लोगों को दी थी। मैक्सिको में हम इस सिविलाइजेशन के बनाए हुए पत्थरों पर ऐसे बेशुमार डिजाइन देख सकते हैं जिन पर एलियंस और यूएफओ बने हुए हैं। माया सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा पुरिसरार थी उससे भी ज्यादा पुरिसरार चीज थी उनका अचानक गायब हो जाना। ये लोग युकातान जजीरे पर आबाद थे जहाँ आज भी उनके घर, खंडरात और मंदिर वगैरह मौजूद हैं। ये लोग अचानक ये सब छोड़कर कहाँ चले गए ये बात आज तक कोई नहीं जान सका। माया सिविलाइजेशन और इससे जुड़ी मिलने वाली पुरिसरार चीजें आज भी माहिरीन के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। नंबर थ्री, 800 मिलियन ईयर्स ओल्ड बॉडी। 1970 में कुछ माइनर साइबेरिया के एक माइन पर 70 मीटर की गहराई में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नजर मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी जो जमीन के अंदर पूरी तरह धंसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम जाया किए उसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये ताबूत उनकी सोच से भी ज्यादा वजनी था इसलिए उन्हें इसको बाहर निकालने में काफी वक्त लगा। ताबूत बाहर आ चुका था, अब बारी थी उसको खोलने की। जो माइनर्स ताबूत मिलने पर इतने ज्यादा हैरान थे उनको इस बात का बिल्कुल भी इलम नहीं था कि वो अगले ही लम्हे क्या देखने जा रहे हैं। जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर से एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरतअंगेज तौर पर लड़की की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसको मरे चंद ही घंटे हुए हों। लेकिन ताबूत के अंदर लड़की की बॉडी के अलावा एक और भी चीज थी। जी हाँ, सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर्स वो पानी देकर रह ना सके और उन्होंने इस लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाल लिया। जैसे ही बॉडी को ताबूत से निकाला गया वो बॉडी उसी वक्त गलना शुरू हो गई। जब इस वाकये का इलम अथॉरिटी को हुआ तो फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए यह ताबूत साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया जहाँ साइंसदानों ने उस पानी पर रिसर्च करना शुरू कर दी जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने सड़ने से बचा रखा था। साइंसदानों का मानना था कि कई साल गुजरने के बाद इस पानी का एक्चुअल फॉर्मूला चेंज हो चुका है जिसकी वजह से इसको रिवर्स करना नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि जिस जमाने की ये बॉडी थी उस वक्त के लोग आज के दौर के लोगों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर फोर, बियर्ड स्केल्टन। दोस्तों आर्कोलॉजिस्ट दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हिस्टोरिकल प्लेसेस पर खोज करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में रशिया में आर्कोलॉजिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जो दुनिया में पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। ये लोग कॉकेशियन माउंटेन पर खुदाई कर रहे थे कि उन्हें दो मुख्तलिफ पहाड़ों पर दो संदूक मिले। जब इनको खोला गया तो अंदर अजीबोगरीब दो खोपड़ियां मौजूद थी। इस संदूक के ऊपर आना नर्ब लिखा हुआ था। असल में आना नर्ब एक जर्मन ग्रुप था जो 1941 में अपने मजहबी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स की खोज किया करते थे।
इस ग्रुप को ये खोपड़ियाँ कहाँ से मिली थी और इन्होंने इन्हें दुनिया से छुपाकर यहाँ क्यों दफनाया था, ये बात कोई नहीं जानता। हैरानगी की बात ये है कि ये खोपड़ियाँ दुनिया के किसी भी जानवर या इंसान की नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो भी चीज थी ये बहुत ही अजीब थी और ये दो टांगों पर चलने वाला क्रिएचर था। इन जर्मन रिसर्चर्स को ये चीज कहाँ से मिली और इन लोगों ने इसे संदूक में बंद करके क्यों दफनाया था, ये राज आज भी एक अनसुलझी पहेली है। नंबर 5, अटाकामा डिजर्ट। चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ा। ये काम चिली के अटाकामा डिजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले और वो भी वेल्स के। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फीट की ऊंचाई पर, जहां से समंदर भी काफी दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के स्केल्टन्स क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब बात आर्कोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें ये मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे 30 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं और रिसर्चर का मानना है कि इतने साल पहले ठीक इसी जगह पर समंदर का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती हैं उनकी फितरत है कि वो साहिल पर आ जाती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कोई भी ठोस जवाब अब तक नहीं दिया जा सका। नंबर 6, ब्लैक बॉक्सेस। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ये जगह मिस्र के इलाके गीजा में वाकया है, लेकिन इस इलाके से 19 किलोमीटर दूर पुरानी गारों का एक नेटवर्क है जिसको सेरापियम ऑफ सक्कारा कहा जाता है। इन केव्स को 1850 में डिस्कवर किया गया था। ये गारे एक सीक्रेट टेम्पल के लिए बनाई गई थी जिनको दुनिया से छुपा कर बनाया गया था। माहिरीन के मुताबिक ये जगह तकरीबन 3000 साल पुरानी है और इसे उस वक्त के बादशाह ने बनवाया था। उससे भी हैरानगी की बात यह है कि इन गारों में से एक गार ऐसी है जहां से 24 ब्लैक बॉक्सेस मिले। ये बॉक्सेस पत्थर से बने हुए थे और इनकी बनावट इतनी अजीब थी कि ऐसे लगता था जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आए हों। इनमें से हर बॉक्स एग्जैक्ट 100 टन वजनी था। जब इन बॉक्सेस को खोला गया तो इनमें से बुल्स की ममीज मिली। ये कदीम मिस्र के मशहूर बुल्स थे जिनको एक ममी की तरह इन बॉक्सेस में रखा गया था। कोई भला इन जानवरों को इस तरह के पत्थर के बॉक्सेस में क्यों रखेगा, इस राज से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा सका। नंबर 7, जायंट स्केलेटन। यूं तो वक्त के साथ आर्कोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीजें जमीन में तभी मिलती रहती हैं, लेकिन चौंका देने वाला वाकया 2012 में पेश आया जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से कई गुना ज्यादा थी और उसका सर भी कई फीट लंबा और चौड़ा था। साइंस का मानना है कि हजारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान का कद भी छोटा होता गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस ढांचे की सिर्फ खोपड़ी ही 18 फीट बड़ी थी। दोस्तों, अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक्स मिले तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल इलम के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।